अब यहां पर पाचा एक और बात समझाते हैं। कहते हैं कुछ घंटों के लिए मौन धारण करना, कुछ समय के लिए चुप करना, ये बहुत जरूरी भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर में एनर्जी बनती है, मन खिंडता नहीं, एकाग्रचित होता है। कम बोलने की बहुत महत्व दिया है वाणी में, बहुत। कितने शब्द, कितने प्रमाण है जिसमें कहा गया है कि कम बोल, बहुत कम बोल। जहाँ पर दो अक्षर से बात बनती है, चार मत बोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और एकदम चुप कर जाना अनर्थकारी है। ज्यादा बोलना अगर अनर्थकारी है, बिल्कुल चुप कर जाना भी अनर्थकारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, कृष्ण जी ने जो भगवद गीता में कहा है दास, वो बताने जा रहे हैं। ज्यादातर हम सब यही कहते हैं, मैं भी कई बार कहता हूँ, क्योंकि समझाने के लिए पॉइंट लेना पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं कि महाभारत का युद्ध एक वाक्य से हुआ, द्रौपदी के ज्यादा बोलने की वजह से। उसने कहा अंधे का पुत्र अंधा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो टर्निंग पॉइंट जरूर था महाभारत का, पर कृष्ण जी कहने लगे असल में महाभारत के युद्ध तीन लोगों के ऊपर है। द्रौपदी तो एक नमित मात्र है उसमें। तीन लोगों की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे तीन लोगों की वजह से। तीन लोग कौन? द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सवाल पूछा गया कि इनकी वजह से क्यों, युद्ध तो दुर्योधन की वजह से हुआ। कहने लगे नहीं, जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस वक्त ये तीनों में से एक भी उठ खड़ा होता जुल्म के खिलाफ, क्योंकि इनके पास ताकत भी थी, इन तीनों के पास शक्ति भी थी, सामर्थ्य भी था, ताकत थी रोकने की, पर इन्होंने नहीं रोका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म को जानते भी थे, धर्म को मानते भी थे, पर धर्म का पालन नहीं किया, चुप रहे। इनकी चुप की वजह से महाभारत हुआ, इतने लोग मरे। ये सारा पाप इन तीनों के सर पे है। ताकत भी है, शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, रोक सकते हैं, फिर भी नहीं रोका, चुप रहे। क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप रहना, ज्यादा बोलना अनर्थकारी है, पर चुप रहना गलत काम को देखकर उससे ज्यादा अनर्थकारी है। इसलिए महापुरुष वचन किया करते थे कि आज का समाज भी बुरा इसलिए नहीं कि बुरे लोग ज्यादा है, नहीं, बुरे लोग बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। समाज बुरा इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नेक लोग हैं वो चुप करके बैठे हैं, सहते रहते हैं, चाहे कोई गलत काम करता जाए, चुप कर जाते कि हमें क्या लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समाज बुरा अच्छे लोगों की वजह से है, और अच्छे लोगों की वजह से क्यों? क्योंकि वो चुप बैठे हैं। अगर आवाज उठाएं बुराई की तरफ तो बुराई कितनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर कोई बिल्कुल चुप कर जाता है पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।